हेलो एवरीवन, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ भी इसी तरह से फास्ट हो? सभी की इच्छा होती है बालों की हेयर ग्रोथ फास्ट हो, साथ में उनके बाल भी सिल्की शाइनी स्मूथ हो, बालों का टेक्सचर अच्छा हो, बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी हो, सभी चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि बिजी शेड्यूल की वजह से कोई अपने बालों की हेयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर आलस आता है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को करने के लिए। उनके लिए आज मैं बेस्ट हेयर मास्क लेके आई हूँ जो अपने बालों की हेयर ग्रोथ को फास्ट कर सकता है, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकता है, साथ में बालों की डेंसिटी को वो बढ़ा सकता है और वन ही यूज में बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बना सकता है। तो ये कॉफ़ी से बना हुआ हेयर मास्क है, बेस्ट हेयर मास्क है। इसके अंदर मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं जो बालों की हेयर ग्रोथ को फास्ट करेगा, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर मास्क को बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूँगी मिल्क क्रीम, और ये सबके घर में इजीली मिल जाती है, जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसका यूज़ करना है। और इसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। समर का टाइम चल रहा है, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है जिससे हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, साथ में लाइफस्टाइल की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से रफ ड्राई बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये बालों को एक ही यूज़ में सिल्की बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, जो इसके अंदर प्रोटीन होता है उससे बाल हेल्दी बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो आपने जो है वो यहाँ पे मिल्क क्रीम का यूज़ करना है अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो ये बालों की जड़ों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपका हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा इसके साथ। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, पहला इंग्रेडिएंट ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉफ़ी, माय ऑल टाइम फेवरेट, और इससे मेरे बालों में बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। मेरे बालों का टेक्सचर आप देख सकते हो, मेरे बाल कितने ज़्यादा लॉन्ग हो गए, थिक हो गए। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे और अब की वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, क्योंकि मैं कॉफ़ी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ अपने बालों के लिए। तो ये क्या करेगा, कॉफ़ी में कैफीन होता है, और कैफीन क्या करता है, स्कैल्प पे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसे ठीक करता है, साथ में जो हमारे पोर्स होते हैं पोर्स को हमारे क्लीन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा तो आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट होगी, बहुत अच्छी आपकी हेयर ग्रोथ होगी, टेक्स्चर आपके बालों का इम्प्रूव होगा, एक नेचुरल कलर ये आपके बालों में लेके आएगा, बहुत अच्छा शेड आपके बालों में लेके आएगा। कॉफ़ी क्या करेगा, बालों के जो रोम है उसको सिमुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है और बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, बालों को लंबा घना मजबूत बनाता है। आप मेरे बालों की डेंसिटी को देख सकते हो, अगर आप भी चाहते हो ना कि आपके बाल जल्दी से लंबे हो, डेंसिटी आपके बालों की वॉल्यूम जल्दी से बढ़े, कॉफ़ी का यूज़ ज़्यादा कर सकते हो अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। और इसके अंदर मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है एलोवेरा जेल। प्लांट का भी ले सकते हो आप, अगर आपके पास प्लांट का नहीं है तो आप मार्केट का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलोवेरा के अंदर विटामिन सी होता है, बी होता है, जो बालों की हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है ये, और बालों के रूट्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है, डैमेज से डैमेज बालों की रिपेयर अच्छे से कर लेता है। और साथ में अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, प्लांट का एलोवेरा, इससे आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसका जेल निकाल लिया, इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, मैं इस जेल को कॉफ़ी हेयर मास्क के अंदर डाल दूंगी। अब इसे क्या करना है, पहले अच्छे से स्टर कर लेना है, ये देख लीजिए आपने इसको अच्छे से स्टर कर लेना है, और उसके बाद आपने इसे अप्लाई करना है अपने बालों पे। वन एप्लीकेशन में ही आपको बेस्ट वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं, और सारे इंग्रेडिएंट आपको आपकी किचन में ईजिली मिल जाएंगे, कुछ भी बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं घर की चीज़ों से तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, और ना ही आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा आपके बालों के लिए। और अब मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से अपने बालों पे लगाना है। तो सबसे पहले आपने अपने बालों को डिटेंगल्स कर लेना है, उसके बाद अपने बालों पर इसे लगाना है, बालों को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, बिल्कुल भी आपके बालों में ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आपने इसे अप्लाई कर लेना है अपने बालों पे। ये देख लीजिए इस तरह से,
पहले आपने इसे रूट्स पे लगाना है। पे लगाने का ये रीज़न होता है जिससे हमारे जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे स्कैल्प को मिले, और जब हमारे स्कैल्प को अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है जो हमारे बालों के जो रोम छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उसको ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जिससे बालों की हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। मेरी बालों की हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है, तभी मैं जो है वो कॉफ़ी का यूज़ अपने बालों के लिए करती हूँ, और बालों के टेक्सचर इससे अच्छा हो जाता है। और आप इसे अपने पूरे स्ट्रेंथ पे लगा लेना है उसके बाद, और इससे कितने भी आपके बाल ख़राब हो आपके बहुत अच्छे बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा इसके साथ। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आधा घंटा पहले लगा लीजिए, अगर टाइम है थोड़ा तो आप एक घंटे के लिए अपने बालों पे रख लीजिए। हफ्ते में आप इसे दो बार भी कर सकते हो, तीन बार भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं आपको अपने बाल दिखाऊंगी कि मेरे बालों का टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है, और ये देख सकते हो आप मेरे बालों को, और मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा हुआ है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं, थिक हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपके बालों में है, तो ये वाला बेस्ट हेयर मास्क है आपके बालों के लिए। और अगर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो हेयर ग्रोथ के लिए भी ये बेस्ट वाला हेयर मास्क है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्प। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ।